हम चार्ज होता है स्केलर है वाट भी स्केलर है पावर का यूनिट देखो स्केलर वेक्टर में पता करने का एक सिंपल तरीका मैं बताता हूँ जो कि जिसके बारे में नहीं मालूम उसको भी पता कर सकते हो जिनके बारे में पता है ठीक है अगर उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी से मान लो एक क्वांटिटी वेक्टर है उसको हम अगर स्केलर से डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर ही रहेगा स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर टाइप चेंज नहीं होता है क्वांटिटी का इफ ए क्वांटिटी यू आर नोइंग दैट वेदर इट्स वेक्टर और स्केलर इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड इट विद सम अदर स्केलर क्वांटिटी देन इट्स टाइप विल नॉट चेंज ठीक है जैसे कि मैं बता रहा हूँ फोर्स को अगर टाइम से डिवाइड करो तो मोमेंटम बनता है तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा क्योंकि फोर्स वेक्टर ठीक है मोमेंटम भी वेक्टर होगा क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है इसी तरह एक्सेलरेशन वेक्टर है मास से मल्टीप्लाई करो मास क्या स्केलर है तो स्केलर से अगर हम एक वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टाइप वेक्टर था पहले एक्सेलरेशन था मल्टीप्लीकेशन के बाद भी वो वेक्टर ही रहेगा ठीक है अब देखो दूसरा टाइप अगर वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तब क्या ये चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पार्ट में ठीक है ये थोड़ा सा डिटेल इस पर एनालिसिस चाहिए तो उसमें डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिखा हुआ है टॉपिक जो लिखा है वो हम लोग करेंगे उसमें एनर्जी मालूम है स्केलर होता है एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर तो पावर आता है तो पावर भी स्केलर होता है ऐसे हो सकता है फोर्स है देखो टू कोलिनियर वेक्टर एक ऐसे है मान लो दूसरा ऐसे है मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया सभी का हो गया हम लोग आगे करते एडिशन जो बचा हुआ उसको कर लेना घर में अभी हम लोग आगे करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर क्या हुआ किसको क्या हंसी आ रहा है क्या बोल रहे कौन बोल रहा है क्या चीज बोल रहा है आगे हम लोग करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखो इसमें क्या होता है हम लोग दो वेक्टर अगर हम लोग एक वेक्टर हमारे पास है और दूसरा वेक्टर है दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा ये हम लोग स्टडी करेंगे तो एडिशन मींस इफ यू टेक टू वेक्टर्स कंबाइंड देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ठीक है तो इसका जो बेसिक होता है मेथड्स तीन चार मेथड है इसको हम दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक होता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड ठीक है तो फर्स्ट वी विल सी द ग्राफिकल मेथड ग्राफिकल मेथड ठीक है तो इसमें फर्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ट्रायंगल लॉ ठीक है तो इसमें देखो क्या होता है दो वेक्टर को ऐड करने पर रिजल्टेंट कैसे निकाला जाए तो अगर एक वेक्टर दिया हुआ है ए दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी इस तरीके तो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे
एक वेक्टर को शिफ्ट करके यहां पर लाएंगे, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन होगा, एंड जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है ये अभी कहीं ज्वाइन नहीं किया गया, यहां से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड वाले के हेड तक जाएंगे। ये जो आया ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ठीक है। इफ वी हैव वेक्टर ए एंड बी द रिजल्टेंट इज फाउंड ग्राफिकली लाइक दिस, ठीक है। तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ज्वाइन करेंगे, कि दूसरा वेक्टर का हेड यहां पर खाली है और फर्स्ट वेक्टर का टेल खाली है, तो इसके टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। अब ये तो हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब एग्जैक्ट इसका वैल्यू जो होता है वो आता कितना है। तो हम लोग ले लेते हैं एक वेक्टर ए और दूसरा ले लिए बी, जिनके की बीच का एंगल थीटा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, जो आर होगा यहां पर रिजल्टेंट दैट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस आर का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, हम लोग एक यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज दिस इज ओ, दिस इज पॉइंट सी डी एंड ई, ठीक है। We have to find the length of the resultant vector. So we have to find what? OE. We have to find OE. So OE square can be written as OD square plus ED square. Okay? Now OD can be written as OC plus CD. अब देखो OC क्या चीज है, OC is length of this vector A, OC is what? Length of the vector A, so this is what? Length of A, magnitude of A. कई बार हम लोग मैग्नीट्यूड को केवल लेटर से भी दिखाते हैं, सामने में से बार नहीं भी लगाते, ठीक है, इसके ऊपर केवल एरो नहीं देंगे, एरो नहीं देंगे तो मैग्नीट्यूड पार्ट लिख रहे। सीडी क्या है, सीडी इज इट सीई का कॉस थीटा है, सीई का कॉस थीटा, सीई कॉस थीटा, एंड ईडी क्या है, सीई का साइन थीटा। Now we can write, देखो C क्या चाहिए, C is length of vector B, C E is length of vector B, so we can write A plus B cos theta, B sin theta square, now expand it, add these two, we are going to get b square, so a square इधर आ जाएगा add करके b square, so finally we get a square plus b square plus 2ab cos theta,
So finally we can write OC or OE as root of A square plus B square plus 2 AB cos theta. And OE is what? OE is magnitude of resultant vector R. OE is magnitude of resultant vector R. So R is distance. So now we have found the magnitude of the resultant vector. We have found the magnitude of resultant vector in terms of the initial two vectors A and B. But this is not the complete answer नहीं है क्योंकि ये केवल magnitude है resultant का. Unless we mention the direction also for resultant, this is not a complete for a vector. Vector के लिए complete नहीं है. तो उसका direction भी हम लोग को बताना चाहिए. तो OE का direction क्या होगा? Suppose यहाँ phi एक लिखते हैं और ये angle के term में इसका direction बताने का try करते हैं. ठीक है? So what will be tan phi? इस एंगल के टर्म्स में हम लोग बताने की कोशिश करते हैं डायरेक्शन. तो tan phi क्या होता है? E d by O d. ठीक है? E d by O d. E d is what? B sin theta and O d is O c plus C d. OC is how much? A. And CD is B cos theta. So like this you can find the angle also. Resultant vector ka angle kitna hoga? Ye bhi nikala ja sakta is tarike se. Theek hai? अभी इस पर एग्जांपल करते हैं. बेटा एंगल डायरेक्शन ही बताता है ना. दिस इज व्हाट, ये एंगल जो हमारा आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो जो फर्स्ट वेक्टर था उसके साथ फाइनल वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसका क्या एंगल होगा? यही चीज तो यही डायरेक्शन ही है. ठीक है? तो अभी हम जो एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पर. सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट. टू वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स. फोर यूनिट मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर. ठीक है? वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट और एंगल भी दिया हुआ है दोनों के बीच का 60 डिग्री. एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर. फाइंड रिजल्टेंट वेक्टर. कितना आ रहा है? 4√3. डायरेक्शन भी निकाल लो.
हाँ एंगल निकलेगा तो एंगल से तुम्हें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन किस तरफ है रिजल्टेंट, ठीक है। आ रहा है एंगल 30 डिग्री आ रहा होगा, सभी का निकल गया इसका मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला लगाएंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 4 cos 60 डिग्री, 4 स्क्वायर का हो जाएगा 16 प्लस 16, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 × 16 cos 60 is half, कितना हो जाएगा 450। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड एंगल tan phi का वैल्यू देखो, d sin थीटा a plus b cos थीटा, 4 sin 60 a plus b cos 60, 1 plus 1/2, 4 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके और ऊपर बचेगा √3/2, तो √3 और नीचे बच जाएगा 3, 1/√3 और phi is 30 degree, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका डायग्राम हम लोग एक बार बना कर देखते हैं। एक वेक्टर दिया हुआ 4 यूनिट का a, सेकेंड वेक्टर b जो कि 60 डिग्री पर, ठीक है। तो जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसके हेड से टेल जॉइन, रिजल्टेंट जो आया इसका लेंथ कितना आया है 4√3, ठीक है, रिजल्टेंट इज 4√3 और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, एंगल विल बी 30 डिग्री। ओके, इसके बाद हम लोग और एक दो एग्जांपल करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तुम लोग जानते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, पढ़े हुए, तो एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल करें। देखो, ए मैन मूव्स 50 मीटर अलोंग ईस्ट, man moves 50 meter along east, then he moves 100 meter along north, then he moves 100 meter along north, find the net displacement, ठीक है। तो देखो तुम लोग लोअर क्लासेज में पढ़े होगे कि डिस्प्लेसमेंट जब निकालते हैं तो पढ़े हो कि वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अगर एक 2D प्लेन में जैसे कि ये वाला एग्जांपल, एक बार ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ग्राफिकली इसको कर सकते हो। ईस्ट के लिए ऐसे ड्रॉ कर दो, नॉर्थ ऐसे होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट, तो ईस्ट के लिए ऐसे ड्रॉ कर दो, कितना का हो जाएगा 50 का, और नॉर्थ के लिए 100 का, ठीक है। रिजल्टेंट निकालो, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री, दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड कितना है 50 और 100 और एंगल कितना है 90, तो इसको यूज करके निकालो।
गया सभी का, कितना आया? 50√5 आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा, एक एंगल आएगा जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है एंगल का, तो उसी तरह लिख दोगे, टैन के फॉर्म में छोड़ देगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है दो वेक्टर, तब क्या करेंगे, ठीक है। लिखो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, ठीक है। हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, देखो ध्यान दो सामने, suppose we have two vectors a and b, we have to find resultant r as a minus b, ठीक है, this we have to find, this can be written as a plus negative of b, we can write like this, so subtracting b from a is equivalent to taking negative of b and adding with a, तो इसका negative पहले ले लेंगे, negative हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इसका negative हो गया, now add this with this one, तो देखो क्या हो जाएगा, इसको add करने के लिए same method apply करेंगे, इसके head से इसका tail join किए, now add this. This is the result. ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब अगर इसको हम लोग फॉर्मूला में, जैसे फॉर्मूला समेशन का निकाले, इसी तरह सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अगर हम लोग कोशिश करें लिखने का, तो क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा हो जाता है माइनस टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ माइनस के वाला आता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग ये चीज पढ़े हो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 180 और यहाँ माइनस पुट कर दो कहीं भी 180 माइनस, ये चीज पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं पढ़े हो तो इसको अभी याद कर लो, ये इसी से आता है, मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में, अगर ये मालूम है पहले से, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग ये रिजल्ट पर कैसे पहुंचेंगे, देखो बी और ए के बीच का एंगल थीटा है, तो बी ऐसे था शुरू में, तो ओरिजिनली ये ऐसा था ना ऊपर की तरफ, ये वाला एंगल आप लोगों का थीटा था, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, तो अभी जो बी और ए के बीच का एंगल बन रहा है वो 180 माइनस थीटा हो जाता है, ठीक है। देखो अभी हमारे पास एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, इसको मैं मान लो ये है एंगल थीटा, ठीक है, तो और ये हो गया ए, अगर हम इसका नेगेटिव किए बी का, तो इस तरह आ जाएगा, ठीक है। और अभी जो हमारे पास एंगल आता है वो ये वाला एंगल है जो कि 180 माइनस थीटा है, देखो ये पूरा क्या है, एक लाइन है तो पूरा 180 है, और ये वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा आता है, विच इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये चीज़ आप तो सिंपली याद रखोगे कि नेगेटिव वाला में बस यहाँ माइनस साइन हम लोग को, ठीक है। तो अभी जो हम लोग दो क्वेश्चन किए, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना, टू यूनिट वेक्टर्स जिनका कि हम लोग को सम निकालना था, टू वेक्टर्स ऑफ फोर यूनिट लेंथ एट एंगल 60 डिग्री था, उसका हम लोग को लेंथ निकालना था, तो उसी क्वेश्चन का अगर सब्ट्रैक्ट करना रहा, एक वेक्टर को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करो, फाइंड आउट द रिजल्टेंट, सब्ट्रैक्ट द टू वेक्टर्स एंड फाइंड द रिजल्टेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था फोर यूनिट लेंथ का, दो वेक्टर थे हमारे पास,
उनका हमने निकाला था, ठीक है मैग्नीट्यूड। थीटा का वैल्यू केवल हम लोग को यहाँ पर माइनस कर देना है थीटा के पास में, सभी का आ गया 4, ठीक है। तो इसमें एक कंक्लूजन है देखो समझने का, हमारे पास दो वेक्टर थे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आया वो दोनों के इंडिविजुअल सम करते अगर 4 + 4 = 8, अगर ऐसे करते हम 8 से कम था, 4√3 इज लेस देन 8, 4√3 का वैल्यू जो होता है वो 8 से कम होगा, 4 × 2 होगा 8 एंड 4 × 1.73 जो होगा, और 1. जो तुम्हारा √3 होता है कितना आता है 1.73 होता है ना, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से कम रह जाएगा, यानी कि सम करने पर जो आता है रिजल्टेंट ऑफ दैट क्वांटिटी इज लेस देन इंडिविजुअल वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड सम करने पर है वो उससे कम है, ठीक है। दूसरा देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन वाले में एक कंक्लूजन आ रहा है, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, इफ वी सब्ट्रैक्ट देम दे मे नॉट बी गिविंग जीरो रिजल्ट, ठीक है, जीरो रिजल्ट नहीं आएगा, देख रहे हो जीरो नहीं आया यहाँ पर, एक्चुअली जो तीसरा वेक्टर आया रिजल्टेंट वो बाकी दोनों के बराबर ही आ गया मैग्नीट्यूड वाइज। और अगर हम लोग को जीरो करना है तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ही जीरो होगा, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स देन रिजल्टेंट विल बी जीरो ओनली फॉर वन एंगल, किस एंगल के लिए हो सकता है वेक्टर्स आर सब्ट्रैक्टेड देन एट व्हाट एंगल दे विल गिव जीरो, cos जीरो पर, ठीक है। और इसी तरह अगर ऐड करने का बात किया जाए तो 180 डिग्री पर ऐड करने पर भी जीरो देता है, ठीक है। अब जैसे देखो मैं बता रहा हूँ जो एडिशन हम लोग फॉर्मूला लिखते थे, ये लिखे एडिशन का फॉर्मूला, अब ये जीरो कब होगा, तो देखो जीरो होगा मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों का, तो हम लोग मैग्नीट्यूड मान लो सेम पुट कर दिया हर जगह ए डाल दिया, तो क्या आ जाएगा ए बाहर आ गया 1 + 1 + 2 cos थीटा और ए इक्वल टू √2 भी बाहर ले लो हो जाएगा 1 + cos थीटा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो आर है इट इज रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स, ये जीरो कब होगा जब ये थीटा 180 होगा, कॉस 180 माइनस 1 होता है, इफ थीटा इज 180 डिग्री देन कॉस थीटा इज माइनस 1, इन दैट केस ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। सो फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स if they are at angle 180 degree then their resultant will be zero, देख लेते हैं इसको हम लोग draw करके diagram पर, एक vector हो गया a, दूसरा vector है b, तो b है equal magnitude का, तो हम लोग add करेंगे, तो add करते हैं तो कैसे होता है इसके head से दूसरे का tail, यही करते हैं, ये angle तो दोनों के बीच का angle होता है, ये एंगल कितना होना चाहिए 180, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे 180 ऐसे, इफ वी रोटेट दिस वेक्टर फॉर 180 डिग्री पूरा 180 ऐसे बनाने के, तो क्या होगा पूरा उल्टा आ गया फाइनली, तो वेक्टर इसी पर ऐसे आ जाएगा वापस, यानी कि जहां से स्टार्ट किया रिजल्टेंट का जो बिगिनिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट दोनों सेम है, यानी कि रिजल्टेंट इज जीरो, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर्स टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स आर एट 180 डिग्री मींस दे आर सिंपली ऐसे, एक वेक्टर इधर है दूसरा उल्टा सीधे हो गया, उल्टा हो गया 180 डिग्री मींस एंटी पैरेलल एंड दे विल सब्ट्रैक्ट कंप्लीटली एंड दे विल गिव जीरो, ठीक है। और यही चीज
सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, एक प्लस हो गया, दूसरा वाला जो है हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले से उल्टा कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में रहा तब ना उल्टा करने पर आकर इसके साथ कैंसिल करेगा, ठीक है। अगर वो सेम डायरेक्शन में रहा पहले से, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में, तभी वो उल्टा होकर इधर कैंसिल करेगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन जब करते हैं हम लोग तो वेक्टर शुड बी अलोंग सेम डायरेक्शन और दे शुड हैव जीरो डिग्री एंगल और देर शुड बी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इफ सब्ट्रैक्टेड दे विल गिव जीरो रिजल्ट। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इफ एडेड दे विल गिव जीरो रिजल्टेंट, ठीक है। और कोई भी दूसरा एंगल हुआ तो रिजल्टेंट जो होगा कुछ वैल्यू आ ही जाएगा। इफ वी हैव एनी अदर एंगल, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जीरो और 180 वी विल गेट सम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। लिख लो ये सब चीज को, लिखो टू इक्वल वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स लिखो टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स If added, and gives zero, then they must be anti-parallel. Then they must be anti-parallel. फिर लिखोगे टू इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स इफ सब्ट्रैक्टेड एंड गिव्स जीरो रिजल्ट जीरो रिजल्टेंट देन वेक्टर्स मस्ट बी पैरेलल। तो पैरेलल मीन्स जीरो डिग्री, एंटी पैरेलल मीन्स 180 डिग्री। फिर लिख लोगे फॉर एनी अदर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फॉर एनी अदर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स रिजल्टेंट इज नेवर जीरो। फॉर एनी अदर एंगल between the vectors resultant is never zero, और एक चीज इसमें हम लोग लिख सकते हैं, देखो वेक्टर को जो ऐड करते हैं मान लो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसको लिख दिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाले, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखे, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक है, इसका लेंथ, दिस लेंथ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ दिस टू मैग्नीट्यूड्स एंड लेस देन सम ऑफ दिस टू मैग्नीट्यूड। अब बताता हूं इसका क्या मतलब है, ये जो इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स है ना इनके सम से कम होगा और जो भी इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स है उनके डिफरेंस से ज्यादा हो, ठीक है। ये देखो कैसे हो रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल में मालूम है कि ये दोनों का जो जो भी लेंथ है ए और बी का, अगर हम पूरा 180 भी करें बी को मान लो ऐसे करते हैं पूरा उल्टा करते हैं यहाँ तक, तो इतना पार्ट जो पहला का टेल से दूसरा का हेड जाएंगे तो इतना पार्ट जो होगा बचा ही रहेगा सब रिजल्टेंट, ठीक है, देख रहे हो। फिर से बताओ, देखो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हम रोटेट कर रहे हैं और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं कैलकुलेट करके, एक वेक्टर हमारे पास है इतना लेंथ का, दूसरा वेक्टर रोटेट करके हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। देखो अगर ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में जीरो डिग्री,
then the resultant vector will have maximum length कितना होगा दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा ठीक है और अगर हम एंगल को चेंज करते हैं then the resultant will become less and less ठीक है so the maximum value for the resultant of a plus b is what sum of individual magnitudes उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा ठीक है फिर देखो इसको और रोटेट किए पीछे लाए तो अब क्या होगा जो एक वेक्टर था और दूसरा जो उल्टा आया है यहाँ तक ठीक है ए था फॉरवर्ड में और बी आया पीछे की तरफ जो यहाँ पर आया ये जो डिफरेंस है इससे छोटा तो कभी नहीं होगा ये रिजल्टेंट ठीक है यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है उससे हमेशा बड़ा रहेगा और यहाँ पर देखो मैंने इस तरह का साइन लिखा है इसका मतलब होता है कि ए और बी में जिसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा है उससे कम वाले को सब्ट्रैक्ट करना ऐसा भी हो सकता था कि बी बड़ा होता और ए छोटा होता ऐसा हो सकता था इन दैट केस जो रिजल्टेंट होगा ये आ जाएगा बी माइनस ए ठीक है तो ये साइन वही इंडिकेट कर रहा है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द लार्जर वन तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करता है ये ट्रायंगल चूंकि बना रहा है इसी वजह से ऐसा होता है ठीक है ओके नेक्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ये कुछ नया नहीं है पैरेललोग्राम लॉ में ट्रायंगल लॉ को ही केवल अलग तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं बस सेम ही लॉ है देखो इसमें क्या होता है इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स मान लो ऐसे दिया हुआ ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे एक वेक्टर ड्रॉ किया ए मान लो ए था बी था ए का जो टेल है वहीं से बी का भी टेल ज्वाइन करेंगे दोनों को एक साथ ज्वाइन ठीक है Now we will draw the parallel lines to make this diagram as parallelogram. Parallelogram की तरह बना दिए ठीक है अब जो इसका diagonal बनेगा diagonal, this is the resultant. ठीक है Two vectors we will start from the same point and By drawing two parallel lines corresponding to these two vectors, we will make a parallelogram. And now draw the diagonal. Diagonal is the resultant. ठीक है? अब इसमें देखो कुछ भी नया नहीं है. B हम लोग यहाँ लिखते थे पहले, अभी यहाँ लिख रहे हैं. और बाकी result तो वही चीज़ है. ठीक है? केवल अलग से हम लोग इसको एक चूंकि पढ़ने का दिया हुआ है, तो उसको अलग से हम लोग लिखते हैं. Otherwise कुछ भी नया नहीं है. Triangle लॉ ही है. ठीक है? तो इसको diagram draw कर लो. The diagonal gives the A plus B. और इसमें भी जो values होते हैं सब same रहेंगे R equal to A square plus B square और जो दोनों के बीच का angle होता है अभी तो यहाँ पर ये angle दिखेगा ये है दोनों के बीच का एंगल थीटा पहले हम लोग यहाँ दिखाते थे ना सेम एंगल यही एंगल यहाँ दिखेगा क्योंकि दोनों वेक्टर एक साथ स्टार्ट किए गए हैं आर का वैल्यू लिख लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा और
ये जो एंगल आएगा रिजल्टेंट का, इसका भी फॉर्मूला वही रह जाएगा। क्या था इसका फॉर्मूला? टेन फाइव आज हाउ मच, कितना था? बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको करने का। इसके बाद जो है हम लोग का पॉलीगोन लॉ होता है। ठीक है, पॉलीगोन लॉ जो होता है ये ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, अभी फिर क्लास उसका छोड़ देंगे, ज्यादा नहीं होगा। हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं क्या है पॉलीगोन लॉ। ठीक है, लिखो पॉलीगोन लॉ। देखो ये क्या लॉ होता है, इफ वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स देन दिस लॉ इज यूज्ड। ठीक है, लिख लो, इफ वी हैव टू ऐड मोर देन टू वेक्टर्स देन पॉलीगोन लॉ इज यूज्ड। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी ऐसे दिया हुआ। सपोज वी हैव दिस थ्री वेक्टर्स एंड वी हैव टू ऐड देम। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे? ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे, दो को किसी को ऐड कर लेते हैं, फिर तीसरा को उसमें ऐड करेंगे। तो इफ वी ऐड फर्स्ट ए प्लस बी एंड देन वी ऐड सी ऐसे। ठीक है, कल तुम लोगों का क्लास नहीं है। अच्छे, कल तो ऐसे भी नहीं रहता, जो लोग आते थे वो लोग अभी नहीं आएंगे कल। ठीक है, कल पूरा बंद है इसलिए। हाँ, तुम लोग का तो उधर क्लास होता था ना, तुम लोग का नहीं होगा कल। हाँ, नॉन स्कूलिंग वाले जो लोग नज़दीक हैं वो लोग आ सकते, लेकिन दूर से आएंगे तो दिक्कत होगा कल, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बंदी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बंद रहेगा इंस्टीट्यूट। ओके, देखो a प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले a और b को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए तो क्या करेंगे, a को ले लिए और b को ऐसे ले लिए। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पर आएगा ऐसे, दिस इज a प्लस b। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड c विद दिस a प्लस b, वी हैव टू ऐड c विद a प्लस b। सो a प्लस b के हेड से c का टेल ज्वाइन करेंगे, यानी कि ऐसे c को यहां शिफ्ट करेंगे, ज्वाइन द टेल ऑफ c विद हेड ऑफ a प्लस b। नाउ टेक द रिजल्टेंट of a plus b and c by drawing the line from tail of a plus b to head of c। ठीक है, तो ये जो आएगा रिजल्टेंट हो जाएगा a plus b plus c। ठीक है, ये चीज होगा। अब इसमें देखो ध्यान देने का बात क्या है, अगर ये बीच वाला को हटा देंगे, ये जो रेड वाला दिखा है ना a plus b, if this one is removed then we can see that take the first vector, join the tail of second vector with the head of first vector, then join the tail of third vector with the head of second vector, फिर उसके बाद last में जो vector है उसका head बचा रह गया open end, and पहला vector का जो initial point था वो एक open end, तो यहां से फाइनल ज्वाइन करते हैं। बीच में क्या है उसको हमको देखने का जरूरत है। ठीक है, तो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग वेक्टर सम ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसको लिख लो, ड्रॉ कर लो ये डायग्राम, इसको लिखोगे, लिखो ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector,
join the head of first vector with the tail of second vector, comma, head of second vector with the tail of third vector, and so on. Resultant is found. Resultant is found by drawing line from tail of first vector to by drawing line from tail of first vector to head of last vector. ठीक है, तो इसमें तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, चार पांच ऐसे भी ले सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, मान लो ऐसे पांच वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो पांचों को ऐड करने में कोई परेशानी नहीं है। सीधे हम लोग क्या करते हैं, पहले का हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन करेंगे, दूसरे के हेड से तीसरे का टेल, और इसी तरह करते जाएंगे, लास्ट वेक्टर का जो हेड बचा और फर्स्ट का टेल इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ये फाइनल वेक्टर होगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये तरीका होता है पॉलीगॉन लॉ में, ठीक है। तो आज इतना ही तक करते हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं, दूसरा पार्ट जो वेक्टर का, इसमें एडिशन ऐसे लिखा हुआ है, वो वाला होमवर्क रहेगा, उसको तुम लोग घर में करोगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो है, क्या क्या उसमें लिखा है टॉपिक में, एडिशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या है क्या दिखा, रेजोल्यूशन, वो तो हो ही चुका है, तो एडिशन रेजोल्यूशन कंपोनेंट, ठीक है, ये सब सब है, तो इसको कर सकते हो। फोर आई कैप थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप, सपोज वी हैव ए वेक्टर एंड द सेकेंड वेक्टर इज टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो if we want to add this two, simply add the I cap components together, J cap components together and K cap components together. So we will have 6 I cap, 2 J cap because of minus sign, 3 minus 1 and 6 K cap. So the benefit of using this रिजॉल्व फॉर्म, ये रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है, इसका बेनिफिट क्या हुआ, ऐड करना बहुत आसान हो गया, एंड इन ग्राफिकल फॉर्म वी हैव सीन दैट फॉर एडिंग वी नीड सम फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा अंडर रूट, ठीक है, बट इन दिस केस इट इज मच इजियर, और हम लोग आगे देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन में भी बहुत आसान होता है अगर हम लोग रिजॉल्व करके करते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ एडिंग एनालिटिकली, ये तो हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो बस माइनस हो जाएगा, टू माइनस फोर, थ्री माइनस 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 प्लस बन जाएगा, ये फाइव माइनस फोर, तो अगर एक क्वांटिटी दिया हुआ है सपोज सी टू आई कैप प्लस जे कैप एंड थ्री आई कैप माइनस के कैप एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड C minus D, what will be the value? C is this, D is this. कितना हो जाएगा? 2 minus 1. कितना बचेगा? I cap. यहाँ पर J में 1 है, यहाँ पर J में कुछ नहीं है, ठीक है, तो 0. तो only J cap will have. Then के कैप यहाँ नहीं है, माइनस वन है, और चूंकि निगेटिव करना है उसका, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी द एकदम सिंपल है ये, ओके। एक चीज़ और जो हम लोग लास्ट क्लास किए थे, जैसे तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया है वो उसमें टर्म यूज़ किया हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, तो वो क्या चीज़ है वो मैं बताया, हम लोग लास्ट क्लास किए थे, उसका केवल नाम जान लेना है, डायरेक्शन कोसाइन,
suppose we have a vector which is making angle alpha, beta and gamma with the three perpendicular axes. Okay? Then how do we write the vector? We write the vector as A cos alpha I cap, A cos beta j cap and A cos gamma k cap. So this is the way of writing the vector A in resolved form. Now if we divide, this is what? This is AX. So look, AX character. And this was called AY and this was called AZ. If we divide AX with A, what we are going to get? A cos alpha with A. देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए एक्स क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेक्टर एंड ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. इफ यू डिवाइड द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर विद द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वी विल गेट ओनली कॉस अल्फा. तो कॉस अल्फा क्या मिला, जो एक्स कॉम्पोनेंट है वेक्टर का, जो एक्स तरफ में जो पार्ट है, डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड. ठीक है, एक्स के तरफ जो पार्ट है और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वो चीज कॉस अल्फा है. दिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस. डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस. तो सिंपल इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वेक्टर, उसका कॉस ले लेना. ठीक है, वो तरीका हो गया. दूसरा, अगर ए एक्स ए वाई ए जेड ऐसे दिए हुए हैं, तो ए एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देंगे तो वही चीज आएगा. इफ यू टेक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द कॉस थिंग. सिमिलरली कॉस गामा एंड कॉस बीटा एंड कॉस गामा, कॉस बीटा विल बी ए वाई बाय ए and cos gamma will be a z by a. This is direction cosine along y axis and this is direction cosine along z axis. ठीक है, ये चीज हो गया direction cosine, मतलब कि vectors का जो component है x के along, उनका डिवाइड करें अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो जो आया था उसको डायरेक्शन कोसाइन करते हैं. अब इसमें एक चीज है कि फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होता है किसी वेक्टर का, तो कैसे करते हैं? इफ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड, मान लो ए है मैग्नीट्यूड, देन हाउ डू वी राइट इट? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं. एंड ए एक्स इज हाउ मच? ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा, यही चीज है ना. देखो, फॉर राइटिंग द मैग्नीट्यूड वी राइट एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट स्क्वायर. एक्स कॉम्पोनेंट इज ए कॉस अल्फा, वाई कॉम्पोनेंट इज ए कॉस बीटा, जेड कॉम्पोनेंट इज ए कॉस गामा. इफ यू स्क्वायर इट, वी विल हैव कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा. और वी कैन राइट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन. तो डायरेक्शन कोसाइंस जो है हमारे पास, उनका स्क्वायर करके अगर ऐड कर दिया जाए तीनों को, तो वन के बराबर आता है. इफ वी टेक द डायरेक्शन कोसाइंस और उनको स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो दैट विल गिव वन. ठीक है, तो जो
असाइनमेंट था बनाने के लिए मैं बोला था, वो कंप्लीट हो गया है। किसी किसी में डाउट है अगर तो वो अभी कंप्लीट करो, ठीक है। ये सब मेरी डाउट रहा होगा, ठीक है, तो अभी कंप्लीट करो, 5 मिनट टाइम है, उसमें जो भी क्वेश्चन हैं जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करो अभी असाइनमेंट। सेकेंड पॉइंट इज -5, 7, एक्स में है -5 एंड वाई में 7, यहाँ पर ऐसे मान लो -5, 7। तो दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज पोजिशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पॉइंट। अब हम लोग को जो वेक्टर लेना है उसका ये इनिशियल होना चाहिए, ये फाइनल होना चाहिए, ये लिखा ना टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे ड्रॉ, ठीक है। तो हम लोग जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है क्या, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और हम उसको ऐसे लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पर। फाइनल कितना है -5 एंड इनिशियल इज 2, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर वाई, दिस इज फाइनल वाई एंड दिस इज इनिशियल वाई, विच इज राइट 7 - 1, तो वी विल हैव -7 आई कैप प्लस 6j। तो दिस इज द वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। नाउ इट इज आस्क्ड टू फाइंड स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। देखो किसी वेक्टर में क्या क्या होता है, वेक्टर इज मेड अप ऑफ व्हाट, ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इज स्केलर पार्ट एंड डायरेक्शन इज वेक्टर पार्ट, ठीक है। तो स्केलर पार्ट निकालने बोला गया है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका निकाल दोगे वेक्टर का, एंड वेक्टर पार्ट निकालने बोला गया है मतलब डायरेक्शन निकालना। तो डायरेक्शन क्या रहता है, व्हाट इज डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज द डायरेक्शन पार्ट ऑफ एनी वेक्टर, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का अगर बात किया जाए, इट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज वेक्टर पार्ट और डायरेक्शन एंड दिस इज मैग्नीट्यूड और स्केलर पार्ट, ठीक है। बाई मल्टीप्लाइंग दिस टू वी गेट द कम्प्लीट वेक्टर, ठीक है। तो इसी तरह से इसको करो, इसको कर लो, इसका निकालो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इसका निकालो। Thank you.